व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरसीस लाइफस्टाइल। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो है तुराई और खसखस की सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम तुराई लिया है, दो ग्रीन चिली और लिया है मैंने आलू, दो मीडियम साइज की आलू और दो टेबलस्पून खसखस और एक चिली। इसको हम मिक्सी में पेस्ट करके इसका एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें अब हम दे देंगे दो ग्रीन चिली और ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए तुराई को। इन सारे चीज़ों को हम एक मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारे कटे हुए आलू। आलू और तुराई एक साथ अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये जो सब्जी है ये ड्राई सब्जी है और इसको दाल चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये सारे चीज़ अच्छे तरीके से भून जाने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो खसखस और ग्रीन चिली की जो हमने पेस्ट बनाई थी, उस पेस्ट को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। खसखस की जो पेस्ट है उसे ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको भूनेंगे 4 से 5 मिनट तक, या जब तक खसखस पूरा पक ना जाए, उसका कच्चापन चला ना जाए। खसखस जब अच्छी तरीके से भून जाएगा तब उसमें से ऑयल निकालना शुरू हो जाएगा। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए आपकी फैमिली के या फ्रेंड्स के साथ। आपको मेरी रेसिपी कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। इस बीच हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप आपकी टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। मैंने यहाँ पे लगभग 4 या 3 या 4 ही ग्रीन चिली यूज़ किया है। अगर आप चाहो तो आप ग्रीन चिली ज़्यादा या कम कर सकते हो, या आप चाहो तो इसमें रेड चिली भी यूज़ कर सकते हो। खसखस जब ऑयल स्टार्ट करें, निकलना स्टार्ट हो जाए ऑयल, तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप वाटर। वाटर को हम अच्छे तरीके से इन सारे सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि तुराई जो है ये सॉफ्ट सब्जी है तो ये जल्दी ही पक जाता है, पर आलू पकने में टाइम लगता है। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें और इसको अभी हम ढक के पकाएंगे। कुकिंग करने के टाइम में मेरा जो पावर है वो कट हो गया था, इसलिए मैंने इंडक्शन को छोड़ के गैस में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। देखिए, जितना मैंने पानी पहले इसमें डाली थी वो पानी एकदम सूख के आधा हो चुका है। तो अभी हम चेक कर लेंगे आलू हमारा कितना पका है। देखिए, आलू मेरा 80% तक हो चुका है, पर अभी भी इसको थोड़ा और भी पकाना है। पर इधर पे जो आलू है ये 90 से 95% तक ही इसको हमें पकाना है। ज़्यादा इसको ओवर नहीं करना है, क्योंकि इसको हमें मैश नहीं करना है। ये जो सब्जी है ये सूखी सब्जी होती है और इसमें कोई पानी नहीं रहता है। इसमें मैंने जितना पानी इसमें डाला था, इसको हमें भून के इसका जो पानी है इसको पूरा ड्राई कर देना है। इस बीच इसको हमें ढक के पकाना है और बीच बीच में इसको चलाते रहना कि हमारी जो सब्जी है वो नीचे लग ना जाए। तो देखिए, मैंने इसको ढक के पका रहा हूँ और इसको बीच बीच में मैं इस पर चला भी रही हूँ कि हाँ, मेरा सब्जी जो है नीचे लग ना जाए। जो हमारा जो सब्जी है वो लगभग पक चुका है। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और जस्ट 1 या 2 मिनट मैं इसको और पकाऊंगी, तो हमारा जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगा। चलिए, हम इसको पास से देख लेते हैं कि जो सब्जी है वो एक्चुअल में देखने में या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, ये जो सब्जी है एकदम बन के रेडी हो चुका है। मैं गैस को कर दूंगी अभी बंद। ये देखिए, पास में से ये सब्जी एकदम ड्राई हो चुका है। गैस को मैंने बंद कर दिया। अभी मैं इसको 2 मिनट स्टैंडिंग टाइम दूंगी। 2 मिनट स्टैंडिंग टाइम देने के बाद मैं अभी इसको सर्व कर रही हूँ। अब इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो या दाल और चावल के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और हाँ, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए, और उसके पास में जो बेल बटन है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।